नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शुकीन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंड का मौसम आने वाला है, उससे पहले मैं अपनी एक वाइन तैयार कर लेता हूं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बहुत ही आसान तरीके से इस वाइन को हम बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको घर पे बियर बना के दिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हाँ, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, बियर बनाने के लिए जो की जरूरत होती है यानी कि बारले की, और ये ही जो बारले होता है यही बियर की जान होती है। हाँ, वैसे हम किसी भी ग्रेन से बियर बना सकते हैं, जो भी मेरे को आसान तरीका लगेगा यानी कि आप लोगों को आसानी से जो चीज मिल जाएगी उसी से मैं बियर बना के आपको दिखाऊंगा। तो इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, फिलहाल के लिए अपनी वाइन बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 5 लीटर का जार है, इसमें मैंने 2.5 लीटर पानी लिया है और तकरीबन आधा ग्राम ये पोटेशियम मेटाबी सल्फाइड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था ताकि ये सब कुछ स्टेरिलाइज हो जाए। 1 चम्मच और चाकू भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है ताकि ये भी स्टेरिलाइज रहे, किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया हमारी वाइन में ना आ पाए, इसलिए मैंने ये सब स्टेरिलाइज अच्छे से कर लिया है। साथ में दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोमेग्रेनेट की वाइन। दोस्तों ये देखिए, इस तरीके का मेरे को जूस मिला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये नेचुरल जूस है 100% और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रिजर्वेटिव और शुगर नहीं ऐड है जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। तो इससे ट्राई करके देखेंगे। ग्रेविटी चेक करने के लिए ये रिफ्रेक्टोमीटर है मेरे पास, इसी से ग्रेविटी चेक करेंगे। दोस्तों, हाइड्रोमीटर कई बार जो जूस होता है उसके अंदर उसकी ठीक ग्रेविटी नहीं दिखा पाता, रिफ्रेक्टोमीटर से हमें अच्छी ग्रेविटी मिल जाती है, तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रेविटी हमें इससे मिलती है। तो इसे चेक कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दोस्तों मेरे पास देसी खांड है, इसका इस्तेमाल करूंगा, ये डाल लूंगा। और वाइन को हम बनाएंगे तकरीबन 12 से 13% अल्कोहल के साथ। यहीं पे अगर मुझे शुगर डालने की जरूरत पड़ी तो मेरे पास मशीन भी है। और दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा गैजेट है, बहुत कम मात्रा में किसी भी चीज को नापना है तो ये एक गैजेट है जो कि अच्छी रीडिंग देता है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है और आप शौक रखते हैं वाइन और बियर बनाने का तो दोस्तों इसको भी परचेज करना बहुत जरूरी है। यहां पे एक सिरिंज ले ली है जो कि पहले से ही स्टेरिलाइज थी। अब इसकी ग्रेविटी कैसे चेक करेंगे, पहले वो चेक देख लेते हैं। एक जूस की बॉटल मैं खोल लेता हूं। और बिल्कुल थोड़ा सा जूस मुझे इसमें से चाहिए, बस 2 बूंद भी काफी है। और हमें इसके ऊपर यहां पे डाल देना है और इसको बंद ऊपर से ऐसे बंद कर देना है और इसे दूरबीन की तरह यहां से देखना है। मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं एक बार चेक कर लूं। तकरीबन 10:15 के पास पास इसकी ग्रेविटी है। कोशिश करता हूं कि इसमें से आपको भी मैं दिखा पाऊं। ये देखिए दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रेविटी कितनी है। ये तकरीबन व्हाइट जो एरिया है और जहां पे ब्लू को टच कर रहा है ये इसकी ग्रेविटी है, ये 10 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसमें अभी शुगर ऐड करनी पड़ेगी, ये तकरीबन 6% से भी 5% के आसपास इससे अल्कोहल बन सकती है। तो ये इस तरीके से दिखाता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, लाइट की तरफ आपको करना पड़ेगा इसे तभी आप देख पाएंगे। ग्रेविटी मैंने आपको चेक कराई है, ये 10:15 के करीब है दोस्तों। कंटेनर के अंदर जो पानी है दोस्तों इसको हमें फेंक देना है। और ये मेरे पास एक प्लेट और ये छोटी सी कटोरी है और एक ये लेमन भी मैंने लिया है सिट्रिक एसिड के लिए। इसको भी मैं इस पानी से एक बार धो लूंगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर इसमें भी होगा तो नहीं रहेगा और जिस इस प्लेट के अंदर मैं अपनी चम्मच और चाकू रख सकता हूं। कंटेनर का सारा पानी मैंने फेंक दिया है और इन सब चीजों को मैंने अच्छे से धो लिया है इसी पानी से। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, जूस को हमने खोल लेना है और इस तरीके से कंटेनर के अंदर डाल देना है। ये तकरीबन 4.5 लीटर है, 750 ml की एक बॉटल है और ये मैंने 6 बॉटलें लिए हैं जो कि 4.5 लीटर हो जाती हैं। दोस्तों,
जहां तक मुझे पता है इसके अंदर तकरीबन 750 ग्राम खांड और आएगी अगर मुझे इसके अंदर 12.5-13% एल्कोहल चाहिए तो फिलहाल इसके अंदर मैं डाल लेता हूं। अगर कम रही तो थोड़ी और ऐड कर दूंगा। 750 ग्राम खांड मैंने ले ली है, अब इसे इस जूस में मैं मिक्स कर देता हूं। इस लकड़ी की चम्मच को भी मैंने स्टेरिलाइज कर लिया था और इसे मिक्स करना होगा। जब ये देसी खांड इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद एक बार से दोबारा से इसकी ग्रेविटी चेक कर लेंगे। अगर जरूरत होगी तो थोड़ी बहुत देसी खांड इसके अंदर डाल देंगे। हमारी रीडिंग जो है वो 23 आनी चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हाइड्रोमीटर से हम चेक करते हैं तो हमें इसमें थोड़ी और देसी खांड मिलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जूस के अंदर जो मीठा होता है उसको काउंट नहीं करता नेचुरल शुगर को। तो ये रिफ्लेक्टोमीटर दोस्तों ले लीजिए अगर आपको शौक है वाइन बनाने का या बियर बनाने का। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको इन सभी चीजों का मिल जाएगा। तली में अब खांड दिखने बंद हो गई है, यानी तकरीबन ये सारी खांड मिक्स हो गई है। अब दोस्तों इसकी एक बार रीडिंग मैं फिर से ले लूंगा। वही तरीका है दोस्तों, दोबारा से एक बार इसको धोना होगा। इसको स्टेरिलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे वाइन से टच नहीं कर रहे। जो भी इसके अंदर लिक्विड गिरेगा उसे हम वाइन के अंदर दोबारा नहीं डाल रहे हैं। तो ये भी अच्छी चीज है। हाइड्रोमीटर को दोस्तों हमें काफी संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, टूट सकता है, वो कांच का होता है। दोस्तों इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पानी से धोने के बाद भी मैं आपको इसकी ग्रेविटी दिखा देता हूं कि ये कैसे, जब इसके अंदर कुछ नहीं होता है तो ये किस तरीके से शो करता है, आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं दोस्तों अब ये पूरा नीला है, यानी कि इसकी ग्रेविटी जीरो है, कुछ नहीं दिखा रहा ये। अब इसके अंदर वो जूस डाल के फिर से दोबारा आपको चेक करके दिखाता हूं। कैमरे को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ आप देख सकते हैं अब ये व्हाइट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ गई है, ये तकरीबन 22 को क्रॉस कर रही है, 23 तक नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जो ग्रेविटी है वो एकदम परफेक्ट है, इसमें और खांड डालने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ अब हमें इसमें चेक करना होगा इसका पीएच लेवल। दोस्तों पीएच नापने के लिए है मेरे पास पीएच स्ट्रिप्स, पीएच मीटर भी आप ले सकते हो। फिलहाल मेरे पास जो पीएच मीटर था वो मिल नहीं रहा है, तो कुछ नहीं करना, पीएच स्ट्रिप के ऊपर जो मैंने जूस इंजेक्शन में लिया था उसको ही मैं डाल देता हूं। इससे पीएच का अंदाजा हमें हो जाएगा कि इसके अंदर पीएच कितना है। इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। 2 मिनट बाद आप देख सकते हो, 2 मिनट भी नहीं लगी होगी, मिनट ही लगी होगी मुश्किल से, आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है और अब इसके अंदर एक ग्राफ दिया है। इससे मिला के हम देख लेंगे ये किससे मेल खाता है। तकरीबन ये किससे मेल खाता है, हूबहू ऐसा ही है, देखिए इसी से मेल खाता है ये, यानी इसका जो पीएच है वो 4 है, हमें इसका पीएच थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सिट्रिक एसिड की जरूरत होती है। तो दोस्तों यहां पे हमें अब इसके अंदर लेमन डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने नींबू ले लिया है एक, जिसे मैंने आधा काट लिया है, और इस नींबू को मैं अब इसमें निचोड़ता हूं, निचोड़ देता हूं। और हाँ एक आधा बीज चला गया है, बीज को मैं निकाल दूंगा चम्मच की मदद से। दोस्तों ये सिट्रिक पाउडर भी आता है, सिट्रिक एसिड पाउडर,
उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उसे भी आप परचेज कर सकते हो। हाँ, मैं भी उसे ऑर्डर करने ही वाला हूं। तो जो बीज गए हैं इनको मैं निकाल देता हूं। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। और अब एक बार दोबारा से इंजेक्शन में मेरे को ये लिक्विड लेना पड़ेगा और दोबारा से वही एक स्ट्रिप लेनी है। और स्ट्रिप लेने के बाद इसमें एक या दो ड्रॉप आप इसमें डाल दीजिए। कुछ ही देर बाद इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम इसे मैच करके देखेंगे इस ग्राफ में कि इसका कलर किससे मैच होता है। ये देखिए, अब आप क्लियर देख पाएंगे किससे इसका कलर मिलता है। मैं इसको बीच में ही लगा देता हूं, जिससे मिलता है आप चेक कर सकते हैं। इसका कलर मिल रहा है इस कलर से, यानी कि इसका पीएच लेवल है 3। ये देखिए, बाकी ज्यादा अच्छा वही होगा कि आप एक पीएच मीटर खरीद ही लीजिए। दोस्तों, हमारी वाइन मस्क का जो पीएच लेवल है वो बिल्कुल ठीक आ गया है। अब हमें इसके अंदर डालना है पोटेशियम मेटाबी सल्फाइड, ताकि स्टेरिलाइज एक बार फिर से हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने नाप रखा है, कैलकुलेशन कर ली है इसके अंदर कितना पोटेशियम मेटाबी सल्फाइड जाएगा। मैंने इसको ग्राम में ही कैलकुलेट किया था, तो इसकी रीडिंग ग्राम में ही चलेगी। ये मैंने ग्राम पे इसको सेट कर दिया है, आप देख नहीं पा रहे शायद, मैं कोशिश करता हूं क्लियर दिखाने की। अभी ये 0-0 दिखा रहा है। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा आपको क्लियर यहां से नजर आएगा जी। अब इसमें मुझे पोटेशियम मेटाबी सल्फाइड ऐड करना है। आप देखिएगा कितना मेरे को 4.5 के लिए जरूरत पड़ेगी। आप रीडिंग देख सकते हैं पोटेशियम मेटाबाइ सल्फाइट मैंने कितना लिया है। मेटाबाइ सल्फाइट मैंने लिया है 0.40 ग्राम, यानी आधे ग्राम से भी कम। तो इस कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम है। इसके अंदर ऐड कर देता हूं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, मस्त हमारा तैयार है। ये रैप शीट मैंने हटा दिया जो टेम्परेरी लगाई थी, तो अब इसके ऊपर मेरे को नई एक क्लिंग फिल्म लगा देनी है, क्योंकि मैंने लगा दी है। और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक रबड़ बैंड। तकरीबन हमारा वाइन मस्ट दोस्तों तैयार है। इसके अंदर अब हमें बस ईस्ट डालनी है, जो कि 24 घंटे के बाद डालूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं 24 घंटे के बाद। दोस्तों, वाइन मस्ट को रखे हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, कहीं बिजी था मैं। अब इसके अंदर हमें ईस्ट डालनी है, ईस्ट लाल विन ईस्ट इस्तेमाल करूंगा मैं इसमें। और ये मेरे पास वीट माल्ट है, गेहूं का माल्ट। इसे एक बार मैं तवे पे भून लूंगा, भूनने के बाद ऐड करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बार हम बात करेंगे बियर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि माल्ट को घर में आप तैयार कर लोगे तो बहुत ही मुश्किल है। 4 से 5 दिन आपको उसे पहले भिगोना पड़ेगा, अंकुरित करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा 2 दिन के लिए। और 2 दिन के बाद जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो आपको उसे भूनना होगा 1.5 घंटा 80 डिग्री के टेम्परेचर पे, या कम या ज्यादा। वो आप किस तरीके का माल्ट बनाना चाहते हैं डिपेंड करता है। वो मार्केट में बहुत तरीके के माल्ट हैं, आप नाम भी, मेरे को भी नाम याद नहीं है और शायद कर भी नहीं पाऊंगा कभी, इतने सारे माल्ट होते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपको माल्ट चाहिए तो आप बनाने की छोड़ दीजिए, बना नहीं सकते, आप ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या वो बंदे जो बेकरी पे सप्लायर हैं, सप्लाई देते हैं, सामान देके जाते हैं बेकरी का, उनके पास आपको गेहूं का माल्ट मिल जाएगा। बार्ले माल्ट भी मेरे पास है, लेकिन मैं फिलहाल आपको
गेहूं के माल्ट से बियर बना के दिखाऊंगा, जो कि अगली मेरे आने वाली वीडियो होगी। और उससे पहले आपको एक और भी बात बताऊं दोस्तों, ये आज पूरा दिन मैं इस जुगाड़ में व्यस्त था, इसे मैंने तैयार किया है। इसमें मैं अपने 15 लीटर वाइन रख सकता हूं, टेम्परेचर कंट्रोल है, आने वाली ठंड में यानी सर्दियों में भी मैं इसे इसकी मदद से वाइन अच्छी सर्दी में भी बना पाऊंगा। इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इस गेहूं को मैं भून लेता हूं, गेहूं के माल्ट को मैं भून लेता हूं, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूंगा और साथ में ही ईस्ट को भी मैं ऐड कर दूंगा। चलो तो इसको मैं भून के ले आता हूं दोस्तों किचन में। कोई इसे भूनना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 3-4 मिनट के लिए मुझे इसे गैस पर रखना है और बस हिलाते रहना है, यह भून जाएगा। तो एक बार मैं इसे भून लाता हूं, उसके बाद इसके अंदर डालूंगा और ईस्ट ऐड कर दूंगा। 2.5-3 घंटे के बाद इसमें फर्मेंटेशन चालू हो जानी चाहिए। तो चलो दोस्तों मैं एक बार किचन से होके आता हूं। दोस्तों इस माल्ट को मैंने एक बार अच्छे से गर्म कर लिया है, सीधा सीधा भी डाल सकता था लेकिन दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहता कोई बैक्टीरिया ना हो, इसलिए मैंने इसको भुना है। वैसे तो ये पहले से ही भुने बनाए होते हैं और दोस्तों जैसे मैंने इसको भुना बहुत ही उम्दा खुशबू मेरे पूरे घर के अंदर फैल गई है। तो अब इसे डाल देते हैं एक बार कंटेनर में। ये माल्ट को मैंने ऐड कर दिया है और साथ में मैंने ईस्ट भी ले लिया है। तकरीबन 1 चम्मच ईस्ट मेरे को इसमें डालनी है, यानी कि आधा पैकेट। तकरीबन आधा डल गया है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ज्यादा डालोगे तो ईस्ट वेस्ट जाती है, वो अलग बात है, जो नीचे बाद में ईस्ट बच जाती है आप उसको यूज करना जानते हो तो एक ही ईस्ट से आप काफी सारी वाइन बना पाओगे। एक ही पैकेट से बार बार उसी ईस्ट को यूज कर सकते हो। बस अब कुछ नहीं करना ज्यादा, अब हमें बस ये रबड़ लगा देनी है। क्लिंग फिल्म मैंने इस पे लगा दी है, जैसा कि आपको पता है मैं क्लिंग फिल्म का ही ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, एयर लॉक कम ही इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि ये क्लिंग फिल्म जो है ये खुद ब खुद बहुत ही अच्छा काम करती है एयर लॉक का। मेरी पुरानी वीडियो में देख लेना, मैंने डिटेल उसमें दे रखी है आपको। बस इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, मैंने इसमें कोई स्पून वगैरह नहीं डाली, रिस्क नहीं लेना चाहता कि हमारी वाइन खराब हो जाए। दोस्तों अब 2.5-3 घंटे के बाद देखते हैं, अगर इस पर फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी तो ये क्लिंग फिल्म यानी कि रैप शीट अपने आप ऊपर की तरफ फूल जाएगी और फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी। दोस्तों वाइन मस्ट में ईस्ट डाले हुए तकरीबन 1 घंटा ही हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो ये बबल्स हैं, ये झाग है, जो एक व्हाइट लाइन आ गई यानी कि ईस्ट ने अपना काम करना चालू कर दिया है और ये भी फूल गया है। जब भी इस तरीके से ये फूलता है पहली बार और आपने अगर रैप शीट चेंज करी है और ये फूलता है तो आपको बस हथेली से इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से। ये तो ठीक था दोस्तों, यहां तक बात ठीक थी, लेकिन एक गलती आज मैंने कर दी है, उसको अभी सुधार लेते हैं। फर्मेंटेशन चालू है अभी हमारी वाइन में, कोई दिक्कत नहीं। फैटिक एंजाइम में डालना भूल गया, अगर ये फैटिक एंजाइम आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पपीते का छिलका थोड़े से गर्म पानी में धो लीजिए और आधे पपीते के छिलके को, कच्चा पपीता हो चाहे पक्का हो, डाल दीजिए, उसमें होता है फैटिक एंजाइम, ये वाइन को क्लीन कर देगा। मैं तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दूंगा, अभी अंदाजन अभी आधा भी नहीं हुई होगी, हाँ ये 1 चम्मच के तकरीबन 1 चम्मच, थोड़ी ज्यादा हो जाए थोड़ी कम हो जाए इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों जब हम बियर बनाएंगे तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और हर चीज को बिल्कुल नाप तोल के बनाना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। फैटिक एंजाइम भी मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही,
अगर इसे मैं सिंगल पार्ट में बनाना चाहता तो मेरे को 30 32 दिन या 25 दिन या 24 दिन या 21 दिन या 19 दिन या 17 दिन लग सकते थे, जो कि लंबा टाइम हो जाता है। इस बीच में सर्दी आ जाती, आप वाइन नहीं बना सकते थे अगर बीच में ठंड आ जाती। दोस्तों अब बना सकते हो, अभी टाइम है आपके पास। इस वाइन को आप सेम तरीके से बनाइए और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसका सेकेंड पार्ट जब तक आप यहां तक इस प्रोसीजर तक पहुंचेंगे, इतना मैं थोड़े टाइम बाद सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। आप भी बहुत आसानी से इस वीडियो को देखकर ये वाइन बना सकते हैं।